मतलब जो पहले जो प्रचंड बहुमत मिला था तो इस बार भी है इसी तरह की उनकी सरकार प्रचंड बहुमत? मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं इस बार मेरी तबीयत की वजह से मैं घूम नहीं पाई। सबका अधिकार है वोट करना, आज उस अधिकार के रूप में मैं यहाँ आज आई हूँ। सबसे पहला वोट मेरा हमेशा रहता है इस पोलिंग बूथ पे, और देवेंद्र जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले यही अपनी कामना है। मेहनत बहुत करी है यहाँ क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि मतदाता देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हीं का काम करती है जनता का, और सरकार वापस आए। कैसा लग रहा है इस बार? क्या मतलब जो पहले जो प्रचंड बहुमत मिला था तो इस बार भी है इसी तरह की उनकी सरकार प्रचंड बहुमत? मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं इस बार मेरी तबीयत की वजह से मैं घूम नहीं पाई, तो मैं इस पे कैसे टिप्पणी दूँ। पर शिवराज जी ने बहुत काम किया है, उनकी मेहनत रंग लाएगी यही कामना है। महाराज साहब एक सवाल मेरा है, ये माना जा रहा है कि शिवपुरी जिले में दो टिकट गलत दे दिए गए भाजपा के द्वारा, एक पोहरी वाला सर्वे के विरुद्ध जाकर और एक टिकट जो करेरा का, करेरा के टिकट में भितरघात का सामना करना पड़ा है। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। क्या मान के चलती है शिवपुरी में पांचों सीटों पर क्या रुझान मान के चलती हैं आप? प्रचंड बहुमत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को और शिवराज जी को, लेकिन पोहरी में काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है भाजपा को। फिर आप अगर अनुमान लगा रहे हैं तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आपका क्या अनुमान है महाराज साहब? मैं जैसे मैंने कहा, मैं कह नहीं पाऊंगी आपको क्योंकि मैं घूम नहीं हूँ इस बार, मेरी तबीयत की वजह से मैं घूम नहीं पाई। जी थैंक यू।